वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 24 जनवरी 2020 को जब शनि देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब धनु राशि में गुरु और केतु की युति बनेगी। ये जो युति है ये अपने आप में बहुत बड़ी युति है, क्योंकि ये 24 जनवरी से लेके 19 सितंबर 2020 तक रहेगी और बाद में 19 सितंबर 2020 को केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि गुरु और केतु की ये युति, या मैं कहूँ जुपिटर केतु का ये जो कंजंक्शन है, एग्जैक्टली ये क्या होता है और हमें किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कंजंक्शन कहाँ पे हो रहा है। ये जो युति हो रही है वो हो रही है धनु राशि में, और धनु राशि नवम राशि होती है कालपुरुष कुंडली में, और ये हमारा नवम घर होता है जिसे हम भाग्य के रूप में जानते हैं, गुरु के रूप में पहचानते हैं, पिता के रूप में पहचानते हैं, हमारी धार्मिक आस्था के रूप में पहचानते हैं, हमारे हायर वैल्यूज़, हमारी हायर बिलीफ्स, हमारे ट्रेडिशन वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशन बिलीफ्स के रूप में नाइन्थ हाउस को जाना जाता है। अब गुरु क्या होते हैं? गुरु का मतलब होता है टू एक्सपैंड, मतलब हमारे जीवन का विस्तार करना, ये गुरु का रोल होता है। तो गुरु हमें हमारे कुटुंब को आगे लेके जाते हैं, हमारे एजुकेशन के कारक होते हैं, हमारे संतान के कारक होते हैं, हमारी शादी के कारक होते हैं, और साथ ही साथ में हम अपने जीवन में कितनी आय करेंगे, कितनी अर्निंग करेंगे, गुरु उसके भी कारक होते हैं। कुल मिला के गुरु इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, और ये हमेशा हमारी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। और जिसके भी चार्ट में गुरु अच्छा बैठा है तो वो पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल होता है, क्योंकि गुरु नॉलेज का भी कारक होता है, साथ ही साथ में वो कितना स्पिरिचुअल होगा, कितना धर्मी होगा, ये भी हम गुरु के द्वारा देख सकते हैं। केतु क्या है? केतु इज़ आवर पास्ट लाइफ अचीवमेंट। हमने अपने पूर्व जन्म में जो भी अर्जित किया है, हमारी जो भी शक्ति है, हमारी जो भी ताकत है, हमारे जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो केतु के अंदर इंस्टोर होते हैं। साथ ही साथ में क्योंकि केतु का सिर्फ धड़ होता है और ऊपर का पार्ट सर नहीं होता है, तो केतु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए गुरु और मेंटर जो उसको गाइड कर सके और उसको जीवन की सही राह दिखा सके। अब इस कंजक्शन की जो सबसे अच्छी बात ये है कि जुपिटर और केतु एक साथ एक घर में होंगे, तो गुरु को एक अच्छा चेला चाहिए और एक चेले को अच्छा गुरु चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि जुपिटर केतु का ये जो कंजंक्शन है, कुल मिला के ये एक ऐसी युति है जिसके अंदर एक गुरु को एक अच्छा डिसाइपल मिलता है और एक डिसाइपल को एक अच्छा गुरु मिलता है। अगर दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने आप में एक दूसरे की ज़िंदगी को पूर्ण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जुपिटर केतु की ये जो युति है वो हमारे जीवन को पूर्ण करने का एक माध्यम है। वो समय है जब हम अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हैं, एक अपने जीवन में एक नई पहचान दे सकते हैं। जुपिटर केतु कंजक्शन को मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको श्रापित योगा बोलते हैं, या बोलते ऐसे भी मैंने सुना है कि ना केतु गुरु के कारण गुरु की जो भी क्वालिटीज़ है वो अफेक्टेड होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जुपिटर केतु की क्वालिटी को इन्हांस करता है, और केतु जब जुपिटर के साथ रहता है और वो भी जुपिटर के घर के अंदर, तो केतु की क्वालिटी भी इन्हांस होती है। जो भी लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और जो ईश्वर से जुड़ते हैं, या मैं कहूँ कि जो सन्यासी लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसमें गुरु और केतु ऐसे दो प्लैनेट हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए और उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो गुरु केतु को मैं इसी रूप में लेके आऊँगा कि गुरु केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे जीवन में पूर्णता लेके आएगा। क्योंकि ये कंजंक्शन नाइन्थ हाउस में हो रहा है, तो ये क्या चीज़ रिलेट करेगा? ये उन लोगों को रिलेट करेगा जो अपने जीवन में ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो अपने जो भी उनके पूर्वज हैं, जो भी उनके पिता समान व्यक्तित्व हैं, जो भी उनके पिता हैं, साथ ही साथ उनके जो भी गुरु हैं, टीचर्स हैं,
जो भी अपने जीवन में इन लोगों का जिन्होंने भी रिस्पेक्ट किया है, जिन्होंने हमेशा ईश्वर में अपनी आस्था रखी और साथ ही साथ में जिन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य पालन किया है और अपना जीवन बड़े सात्विक तरीके से जिया है, उसके लिए जो ट्रांजिट है काफ़ी फ्रूटफुल होगी। अगर इस ट्रांजिट में काफ़ी ऐसे लोग या काफ़ी ऐसे पल या काफ़ी ऐसे समय आ सकते हैं जब आप अपने गुरु से मिल सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि गुरु शिष्य से मिल सकता है, तो गुरु केतु की ट्रांजिट ओवरऑल काफ़ी अच्छी ट्रांजिट है। आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु केतु इज अ वेरी गुड योगा। इवन इस योगा को हम सन्यासी योगा कहते हैं और इवन इट्स अ वेरी गुड, अगर आप ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हैं तो ये वो एनर्जी है जिसके अंदर एक आत्मा का जिस दूसरे आत्मा के प्रति जुड़ाव है, तो इस पीरियड में उन दोनों आत्माओं का मिलन होता है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो चाहे गुरु चेला हो सकता है, या कोई भी ऐसा। अगर मान लीजिए आप अभी तक अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे थे या आप अपने आप में कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके जीवन में पूर्णता नहीं है, तो गुरु केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जीवन में पूर्णता लेके आएगा। ये आपको कैसा अफेक्ट करेगा, हर राशि पे इसका क्या हाल होगा, क्या रहेगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आप इनमें मत जाइए। जैसे मैंने कहा कि ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी फ्रूटफुल है हर एक इंसान के लिए, तो जहाँ पर भी आपके लाइफ में गैप है ये उस गैप को फुलफिल करेगा। गुरु केतु कॉम्बिनेशन कैन बी लुक्ड ऑन एज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कंजंक्शन जो हमें आगे चल के काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। इस पीरियड में आप ये बोल सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी खोया है वो आप इस पीरियड में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी से वापस रिलेट करेंगे, आप अपनी खोई हुई कॉन्फिडेंस को वापस पाएंगे, साथ ही साथ में आपका जो नॉलेज लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज़ योर नॉलेज स्पिरिचुअली इंटरनली, और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और 24 जनवरी ऑनवर्ड्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप सबको और हम सबको देने लगेगा। सो आई ब्लेस यू ऑल, और मैं आशा करता हूँ कि जुपिटर केतु का ये जो कंजंक्शन है, ये जो युति है, वो आपको आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।